अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दम वाले किमी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं 750 ग्राम कीमा ले ली हूँ। तो आप अपने पसंद के हिसाब से कीमा ले सकते हैं, मटन या फिर बड़े का। तो अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो इसके लिए 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। 1 बड़ा चम्मच डालूंगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 कप तला हुआ प्याज ले ली हूँ, इसे डाल दूंगी। 4 टेबल स्पून ले ली हूँ कद्दूकस किया हुआ पपीता, तो ये कच्चा पपीता है, इसे डाल देना है। ये हमारे कीमे को गलाने का काम करेगा। 1/4 कप ले ली हूँ दही, तो ध्यान रहे दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसे डाल दूँगी। पाउडर मसाले डाल दूँगी, तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले ली हूँ। 1/2 छोटा चम्मच डालूँगी जीरे का पाउडर। 1 छोटा चम्मच डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। अब मैं सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला दूँगी। हमें इसे मिलाकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर भी इसे रख सकते हैं। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए रख दूंगी। और 2 घंटे बाद मैं तेल को गर्म कर ली हूँ। तो यहाँ 1/2 कप के करीब में मैं तेल ले ली हूँ। तो ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई की थी। तो इसमें डाल दूंगी तेज़पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ले ली हूँ, इसे डाल दूंगी। खड़े मसाले आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। हल्का सा भुनेंगे इसे। और अब मैं डालूंगी इसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैं बारीक काट ली हूँ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है, हमें इतना ही भूनना है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा। तो सारा कीमा डाल देंगे। अगर आपको सुबह में बनाना है कीमे को, तो आप रात में इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और सुबह में झटपट बना लें, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ डाल दी हूँ, अच्छे से चला ली हूँ इसे। और अब मैं इसे ढक दूँगी, 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पका लूँगी। तो यहाँ इसे पकते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया है। तो मैं इसे अच्छे से चला लूँगी पहले। और अब मैं फ्लेम को कर दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे के गल जाने तक और मसाले के अच्छे से भुन जाने तक हम पका लेंगे। तो ढक दूँगी मैं इसे। और यहाँ कीमे को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। बीच बीच में मैं 2 बार चला ली थी इसे। कीमा हमारा अच्छे से गल गया है, देख सकते हैं। आप चाहें तो इतना ही ड्राई रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ 1/2 कप के करीब में। तो हल्का सा ग्रेवी रखना है। तो चला लूँगी इसे और अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक कर 4 से 5 मिनट तक और पका लूँगी। तो ढक दी हूँ और लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, ये तैयार हो चुका है। इसमें डाल दी हूँ 3 हरा मिर्च जिसे मैं मोटा मोटा ही काट ली हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है मिर्ची डालना, अगर आपको पसंद हो तो डालें। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसमें दम लगाऊँगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है ये। तो यहाँ मैं एक स्टील की कटोरी रख दूँगी और उसमें डालूँगी कोयला और थोड़ा सा घी डाल देना है इसके ऊपर से और जल्दी से बंद कर देना है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। और ये 4 मिनट हो चुका है, अब मैं कटोरी को निकाल लूँगी और बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ रहा है हमारे कीमे में से। तो निकाल ली हूँ और अब मैं इसे एक बार चला लूँगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा कीमा और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि क्या ही बताएँ। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। मज़ेदार सा हमारा दम वाला कीमा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, नान या फिर पाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।